लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो उसमें मेनली तीन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है फोर्स मास एंड टाइम कितना फोर्स कितने मास पे लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है अगर हमें इन तीन चीजों का पता चल जाए तो हम ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं बट सर्कुलर मोशन के केस में ऐसा नहीं होता है सर्कुलर मोशन के केस में अगर हम सेम फोर्स सेम मास पर अप्लाई करते हैं सेम टाइम के लिए अप्लाई करते हैं बट डिफरेंट पोजीशंस पे अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा सर्कुलर मोशन के केस में रेडियल डिस्टेंस का सिग्निफिकेंस रहता है मींस हम सेंटर से कितनी दूरी पे वह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसलिए हमने कहा कि सर्कुलर मोशन के केस में अकेला फोर्स एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर नहीं है इनफैक्ट फोर्स इंटू में रेडियल डिस्टेंस मीन कितनी रेडियल डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई किया गया है उसका एक सिग्निफिकेंस है जिसको हमने टॉर्क बोला तो अब हमें यह पता चल गया है कि लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का होता है सर्कुलर मोशन में वही रोल टॉर्क का होता है और टॉर्क में फोर्स और रेडियल डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है अब अगर हम बात करें कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है जैसा कि हमें पता है टोर्क का मेन पर्पज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन प्रोवाइड करवाना तो अब रोटेशन की बात है तो वह रोटेशन या तो क्लोकवाइज डायरेक्शन में होगी और या एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में होगी इसलिए टोर्क दो तरह का हो सकता है क्लोकवाइज टोर्क एंड एंटी क्लोकवाइज टोर्क अब सपोज कीजिए यह एक रोड है और इस रोड को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें इस तरह से एक फोर्स एफ अप्लाई करना होगा इस रोड पे परपेंडिकुलर टू द रोड और यह फोर्स इस तरह से होना चाहिए कि जैसे जैसे रोड रोटेट करेगी तो यह फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज करे और फोर्स कुछ इस तरह से बना रहे कि हमेशा रोड के परपेंडिकुलर ही रहे अगर फोर्स हमेशा रोड के परपेंडिकुलर रहेगा तो इससे इस रोड को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा या हम यूं कहें कि मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन इस रोड को मिलेगा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सुपोज कीजिए ये जो फोर्स अप्लाई किया गया है इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और जितनी डिस्टेंस पे ये अप्लाई किया गया है वो है 2 मीटर तो इस केस में जो नेट टॉर्क है जो इस रोड पे अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 2 20 न्यूटन मीटर अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं मीन्स टेन न्यूटन का फोर्स है और टू मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अब रोड के परपेंडिकुलर ना होके थोड़ी सी चेंज कर दी गई है तो इस केस में टोर्क क्या होगा अब कहने को तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है और डिस्टेंस 2 मीटर है तो टोर्क 20 न्यूटन मीटर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टोर्क कैलकुलेशन में केवल फोर्स का मैग्निट्यूड ही इनफ नहीं है इनफैक्ट वह फोर्स किस एंगल पे रोड पे लग रहा है उसका भी रोल होता है तो यहां पर हमें एंगल का भी ध्यान रखना होगा कि किस एंगल पर वह फोर्स रोड पे अप्लाई किया गया है तो टोर्क निकालने का यह फॉर्मूला कि फोर्स को और रेडियस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो यह इनफ नहीं है इसमें थोड़ा और मोडिफिकेशन की जरूरत है और वह मोडिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए जिसमें की और आर की डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो समझने के लिए एक एक लीजिए कीजिए यह है एक रोड है है जो कि इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो अब इस रोड की डायरेक्शन क्या होगी मीन्स रोड की डायरेक्शन या इसकी रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी तो रेडियस की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर तो यहां पर डायरेक्शन होगी इस तरह से अगर मान लीजिए अब ये जो रोड है ये रोटेट कर जाती है और इसकी पोजिशन कुछ इस तरह से हो जाती है तो इस केस में रेडियस की डायरेक्शन क्या है या रोड की डायरेक्शन क्या है अगेन अवे फ्रॉम द सेंटर तो अब यहां पर रेडियस की डायरेक्शन तो डिफाइन हो गई है मिस किसी भी सर्कुलर मोशन के केस में हमें रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर कंसीडर करनी है अब हमने रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन तो फाइंड आउट करना सीख लिया है रेडियस वेक्टर को हम आर से डिनोट कर सकते हैं अब बात आती है फोर्स की सपोज कीजिए इस रोड पर किसी पॉइंट पर एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है अब क्वेश्चन यह आता है कि इस रेडियस वेक्टर आर में और इस फोर्स एफ में कितने डिग्री का एंगल है उस एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाए नॉर्मली देखने में लगता है कि आर और एफ के बीच में यह एंगल है थीटा लेकिन यह गलत है आर और एफ के बीच में अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो जो दोनों वेक्टर्स के हेड हैं वो एक दूसरे से दूर जाने चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे इस एफ वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से अब देखिए दोनों वेक्टर के जो हेड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अब जहाँ पे टेल्स मिल रही है वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं सपोज कीजिए एक वैक्टर यह है ए और एक वैक्टर यह है बी अब इन दोनों वैक्टर के बीच में एंगल कितना होगा तो वो निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी टेल को एक्सटेंड करेंगे और फिर हम इसके हेड को एक्सटेंड करेंगे और अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो यह होगा थीटा तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं यह हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसमें रेडियल यह है और फोर्स वैक्टर यह है और रेडियल वैक्टर और फोर्स वैक्टर के बीच में एंगल थीटा है अब हमें टोर कैलकुलेशन के लिए इस फोर्स का वह कंपोनेंट चाहिए जो इस रोड के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो परपेंडिकुलर मीन हमें चाहिए इस डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कंपोनेंट और एफ के बीच में एंगल का पता होना चाहिए अब क्योंकि ये टोटल एंगल थीटा है और यह एंगल 90 डिग्री है तो जो ये एंगल होगा मीन्स फोर्स एफ और इस कंपोनेंट के बीच में वह हो जाएगा माइनस नाइन्टी प्लस थीटा माइनस नाइन्टी प्लस थीटा क्यों क्योंकि माइनस थीटा प्लस थीटा जो कि यह पूरा एंगल है वो अब अगर मान लीजिए यह एंगल माइनस नाइंटी प्लस थीटा है तो इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी फोर्स इनटू में कोस ऑफ दिस एंगल मींस माइनस नाइंटी प्लस थीटा अब हमें पता है क्योंकि कोस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं होता है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ कोस ऑफ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा और एफ कोस ऑफ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा मीस फोर्स का वह कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू होगी एफ साइन ऑफ़ थीटा और अब ये इस के कर रहा है या हम यूं कहें कि इस रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है अब हमें अगर टॉर्क निकालना है तो हम सिंपल रेडियल वेक्टर मीन्स कितनी डिस्टेंस पे यह फोर्स अप्लाई किया गया है और इस फोर्स के मैग्नीट्यूड और इस फोर्स के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मान लीजिए हमने यह फोर्स डिस्टेंस पे अप्लाई किया था और फोर्स की डायरेक्शन यह थी लेकिन उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा था तो अब जो टोर्क की वैल्यू होगी वह होगी एफ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय आर हालांकि हमने फोर्स एफ अप्लाई किया था लेकिन हमें फोर्स का वह कंपोनेंट चाहिए था जो कि इस रोड के परपेंडिकुलर हो और वह कंपोनेंट हमारा आया एफ साइन ऑफ थीटा इसलिए हमने एफ साइन ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई किया आर के साथ और यह हमारा टोर्क होगा इस केस में तो इसे हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा और अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर क्रोस एफ क्योंकि क्रोस क्यों के केस में हमारा साइन थीटा आता है तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर टोर्क इज आर क्रॉस एफ आर यहां पर क्या है रेडियल वेक्टर है और एफ क्या है फोर्स वेक्टर है